फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वर्णा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल्स पेन के बारे में। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कई बार जो पेशेंट्स होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें तो लेबर स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर पता चलता है कि ये तो फॉल्स पेन थे। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि फॉल्स पेन है या ट्रू लेबर पेन है? तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है फॉल्स पेन का, वो ये होता है कि वो डल नेचर के अंदर होते हैं, मतलब हल्के हल्के हो रहे होते हैं, और ये लोअर एब्डोमेन के अंदर या ग्रोइन तक जाते हैं। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि इसके अंदर क्या होता है, ये कंटिन्यूस होते हैं, और जो यूट्राइन कंट्रैक्शन जो होता है, या जिसे हम कहते हैं कि यूट्रस जो होता है टाइट होता है और सॉफ्ट होता है, वो नहीं होता है। थर्ड इसका जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि जब ट्रू लेबर पेन होते हैं तो पेन्स के साथ में सर्विक्स का डायलिटेशन जो होता है, या बच्चेदानी का जो मुंह होता है, वो भी ओपन होता रहता है, ताकि बच्चा नीचे आने लगता है, तो इसलिए वो ऑस ओपन होता है डिलीवरी के लिए। बट फॉल्स पेन के अंदर वो ऑस बंद रहता है, पर ये चेक आपके डॉक्टर ही करते हैं। फोर्थ क्राइटेरिया होता है कि जो फॉल्स पेन होते हैं वो एनिमल लगाने से या फिर कुछ मेडिकेशन देने से बंद हो जाते हैं, जबकि ट्रू पेन इनसे बंद नहीं होते हैं, बढ़ जाते हैं। जो फॉल्स पेन होते हैं वो प्राइमरी ग्रेविडा, जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही हैं, उनके अंदर ज़्यादा होता है। मल्टीपैरा के अंदर थोड़ा कम होता है। प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर ये एक से दो हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है, जब लेबर ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने वाले हैं उसे एक से दो हफ्ते पहले उन्हें फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि जो सेकेंड या थर्ड टाइम अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो उनके अंदर ये कुछ दिन पहले, जो ट्रू लेबर स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले फॉल्स पेन महसूस होते हैं। एक कंडीशन और ये होती है कि क्यों हमें फॉल्स पेन महसूस होते हैं, क्यों फीमेल्स को, क्यों प्रेग्नेंट लेडी को, तो एक प्री लेबर स्टेज होती है हर प्रेगनेंसी के अंदर, जिसके अंदर ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले बच्चा क्या है, नीचे की ओर खिसकने लगता है, जिससे कि ऊपर एब्डोमेन भी हल्का हो जाता है और बच्चा थोड़ा नीचे खिसक जाता है। तो इसकी वजह से जो लोअर जो एब्डोमेन का एरिया है वहाँ इरिटेशन स्टार्ट होने लग जाती है, और जिससे कि फॉल्स पेन स्टार्ट होने लग जाते हैं। ये चीज़ें हैं जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये फॉल्स पेन है या ये ट्रू लेबर पेन है। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन है और तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने डॉक्टर से बात कर लें। अगर आप कंफ्यूज हैं कि फर्स्ट पेन है या ट्रू लेबर पेन है या कोई भी सिचुएशन आती है, तो ये अच्छा ही होगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लें, और वही आपको सही गाइड कर सकते हैं। थैंक यू।